मारवाड़ी मिट्टी आप देख रहे हैं। आज है 19 अगस्त 2023 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार सावन माह की तृतीया तिथि है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार आम चुनाव से पहले महंगाई नियंत्रित करने के लिए एक्शन में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हफ्तों में पेट्रोल की बिक्री पर टैक्स कम करने, खाद्य तेल और गेहूं पर आयात शुल्क कम करने जैसे बड़े फैसले ले सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के अधिकारी खाद्य और ईंधन की लागत में वृद्धि को रोकने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बजट से करीब 1,00,000 करोड़ रुपए फिर से आवंटित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। मामले से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक यह फंड कुल बजट का करीब 2% है। इसका इस्तेमाल गरीबों के लिए सस्ता कर्ज और गरीबों को घर उपलब्ध करवाने में किया जा सकता है। दरअसल पीएम मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र के नाम दिए भाषण में 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची महंगाई से लड़ने का ऐलान किया था और अब इस पर काम भी शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी आने वाले हफ्तों में पेट्रोल की बिक्री पर टैक्स कम करने और खाद्य तेल और गेहूं पर आयात शुल्क कम करने जैसे बड़े फैसले ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देश के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। विक्रम लैंडर की डिबूस्टिंग का पहला चरण पूरा हो गया है। अब डिबूस्टिंग का अगला चरण 20 अगस्त को होगा। इस मौके पर इसरो ने कहा है कि डर की डिबूस्टिंग का पहला चरण सफल हो गया है। दरअसल 23 अगस्त को शाम को 6:45 सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले भले ही राजस्थान का मैप बदल दिया हो लेकिन निर्वाचन आयोग ने 2.5 महीने के बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव पुराने जिलों के अनुसार ही करवाएगा। आयोग ने राज्य में 33 जिला निर्वाचन अधिकारी ही नियुक्त करने का निर्णय लिया है। नए जिलों के कलेक्टर भी पुराने जिलों के कलेक्टर के अधीन रहकर चुनाव प्रक्रिया में सहयोग देंगे। दरअसल कई लोगों के मन में यह सवाल था कि अब राजस्थान का नक्शा बदल गया है, नए जिले बन गए हैं, ऐसे में चुनाव कैसे होंगे। बड़ी खबर यह है 2.5 महीने के बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव पुराने जिलों के अनुसार ही होंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फ्री फूड पैकेट योजना की शुरुआत तो 15 अगस्त से हो गई है लेकिन अगले ही दिन से प्रदेश में सर्वर डाउन के चलते लाभार्थियों को फूड पैकेट का वितरण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। कुछ जगह तो राशन डीलर लाभार्थी का जन आधार कार्ड लेकर किट का वितरण कर रहे थे तो कुछ जगह लोगों को निराश ही लौटना पड़ रहा है। सर्वर डाउन होने से राशन की दुकानों पर लाभार्थियों की भीड़ लग रही है। फूड पैकेट के लिए उपभोक्ताओं का पूरा दिन खराब हो रहा है। वहीं देखिए अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण तो शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी कई ऐसे राशन डीलर हैं जिन्हें अब तक फूड पैकेट नहीं मिला है। ऐसे में उपभोक्ता रोज दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं और जिन राशन डीलरों के पास यह किट पहुँचे हैं वो बांट भी रहे हैं लेकिन वहाँ सर्वर डाउन के चलते एक उपभोक्ता को राशन किट देने में 20 से लेकर 25 मिनट का समय लग रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन पोस्ट ऑफिस ने ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए राजस्थान में 2031 पदों पर भर्तियां होगी। इसमें शामिल होने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 23 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस नौकरी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो किसी भी मान्यता प्राप्त से 10वीं पास होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान के कई जिलों में बीते 20 से 25 दिनों से मानसून ने मुंह मोड़ रखा है। बरसात नहीं होने के कारण तापमान बढ़ता ही जा रहा है। इसका असर खेतों में खड़ी खरीफ की फसल पर भी अब साफ दिखने लगा है। हजारों हेक्टेयर में खड़ी फसलें सूखे की चपेट में आ गई है। हालांकि अच्छी खबर यह है मौसम को लेकर लंबे समय के बाद थोड़ी सी राहत की खबर आई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। यह सिस्टम अगले कुछ घंटों के अंदर लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने की संभावना है। इस सिस्टम का असर 19 अगस्त से यानी कि आज से राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। 19 अगस्त से राज्य के कुछ भागों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के लिए भी थोड़ी सी राहत की खबर है। बीकानेर जोधपुर संभाग में भी 19 से 21 अगस्त के बीच छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है।
आगे बढ़ते हैं राजस्थान की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी तेजी के साथ सक्रिय हो गई है। बड़ी खबर यह है, राजस्थान चुनाव को लेकर अभी तक किसी भी पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा 25 अगस्त तक जारी कर देगी। आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल का दावा है कि पार्टी इस बार राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान में अगर किसी मंचले ने 3 या उससे ज्यादा बार किसी लड़की से छेड़खानी की तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बदनुमा दाग लग जाएगा। इससे भी बड़ी खबर यह है, मंचलों पर लगाम कसने के लिए पुलिस की निर्भया स्क्वाड ने काम भी शुरू कर दिया है। टीम की महिला पुलिस कर्मी कॉलेज गर्ल बनकर गर्ल्स कॉलेज के आसपास घूम रही है। स्कूल जाने वाले रास्तों, सिटी बसों और ऑटो में मंचलों का पता कर उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। बड़ी खबर तो यह है, महज 4 दिनों में अकेले जयपुर में 160 मंचले पकड़े गए हैं। देखिए, आपके मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि मंचले होते कौन हैं? आसान भाषा में आपको समझाऊं तो ऐसे लड़के महिलाओं या लड़कियों के प्रति गंदी सोच रखते हैं, यानी कि ये लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, फब्तियां कसते हैं। ऐसे मंचलों को अब राजस्थान पुलिस ढूंढ ढूंढ कर पकड़ रही है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर, सीएम गहलोत ने कहा है कि मैंने घोषणाएं करने की कमी नहीं रखी है। मैंने कहा था आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। सीएम ने कहा, अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में घोषणाएं तो नहीं कर सकते, इसलिए सोच रहा हूं अब मैं घोषणाएं करवाने की जगह आगे के लिए गारंटी देना शुरू कर दूं। सीएम ने कहा कि सरकार बनते ही आपकी दी हुई गारंटी पूरा करूंगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, हम 1 करोड़ प्रदेश की महिलाओं को आगे फ्री स्मार्टफोन देने के लिए गारंटी कार्ड देने जा रहे हैं। 20 अगस्त से गारंटी कार्ड बांटने की शुरुआत करने जा रहे हैं। गारंटी कार्ड लेने वाली महिलाओं को आगे फ्री स्मार्टफोन मिलेंगे। सीएम गहलोत ने कहा, हमने महिलाओं को एक से बढ़कर एक स्कीम दी है। बड़ी खबर यह है, सीएम गहलोत ने कहा है कि हम 2030 तक विकसित राजस्थान बनाने के विजन 2030 के तहत जनता से सुझाव ले रहे हैं। वहीं देखिए, सीएम गहलोत ने महिलाओं के लिए कुछ और बड़े फैसले लिए हैं। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में राजजीविका के अंतर्गत 3.60 लाख समूह का गठन कर लगभग 43 लाख महिलाओं को इससे जोड़ा गया है। राज्य सरकार इन समूह में 4774 करोड़ का ऋण उपलब्ध करवा रही है। सीएम गहलोत ने घोषणा की है कि राजजीविका केंद्र से जुड़ी महिलाओं के मानदेय में 15% बढ़ोतरी होगी। राजजीविका से जुड़ी महिलाओं को कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और राजजीविका से जुड़ी महिलाएं 2.5% की जगह अब 0% ब्याज दर पर स्कूटी खरीद पाएगी। अच्छा, राजजीविका क्या है, इसमें कौन सी महिलाएं आती है, किन महिलाओं को बिना ब्याज स्कूटी मिलेगी, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।